मॉर्निंग स्टूडेंट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द सिलेबस ऑफ बैचलर टेक्नोलॉजी दैट इज केमिकल टेक्नोलॉजी विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर 4 ईयर डिग्री कोर्स इन बैचलर टेक्नोलॉजी ऑफ संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी ऑफ फूड पेट्रोल पल्प एंड पेपर ऑयल एंड पेंट्स सेमेस्टर पैटर्न है ये और सेमेस्टर फर्स्ट में क्या क्या आता है वो देखिए सेमेस्टर पैटर्न में उसका नाम है अप्लाइड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें भी 2 सेक्शन है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ये सेक्शन ए और सेक्शन बी अपन पहले फर्स्ट सेम का देखेंगे। फर्स्ट सेम में है सेक्शन ए। सेक्शन ए इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है बोस थ्योरी मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ एटम डी बर्गलिस इक्वेशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हंस रूल अबो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक साइज आयोनाइजेशन एनर्जी फैक्टर्स डिटरमिनेशन आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये सब का एक में आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। सेकेंड यूनिट है केमिकल बॉन्ड्स एंड देयर टाइप आयोनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वैन डेर वाल्स फोर्सेस लैक्टिक एनर्जी बॉन हाइबर्ग साइकिल हाइब्रिडाइजेशन एंड मॉलिकुलर शेप रेजोनेंस ये है यूनिट सेकेंड में। यूनिट थर्ड में है वाटर। वाटर में क्या आता है इम्प्योरिटी इन वाटर एंड देयर इफेक्ट्स ऑन हार्डनेस एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस बाय EDTA एंड सोप सोल्यूशन बाय मेथड सॉफ्टिंग ऑफ वाटर मेथड ऑफ सॉफ्टनिंग lime soda zeolite process and ion exchange method problem based on lime soda and zeolite processes industrial uses boiler corrosion structure of water concepts of bonds and free water। अगर आपको ये water का unit होना है तो मेरे यहाँ दो चार वीडियो इस पे से आपको दिख जाएंगे मैंने अपलोड किए हैं जिसमें मैंने hardness of water क्या होता है वो दिया है टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर वो भी दिया है उसके यूनिट्स दिए हैं और सॉफ्टनिंग मेथड में लाइम सोडा और जियोलाइट प्रोसेस का भी मैंने कर दिया है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। अब अगले वीडियो में आयन एक्सचेंज मेथड भी अपलोड करने वाली हूँ ठीक है। अगर आपको देखना है तो प्लीज़ वो वीडियो आप दे सकते हो। सेक्शन बी में है यूनिट फोर्थ दैट इज अलॉय। अलॉय में क्या क्या आता है इंट्रोडक्शन पर्पज ऑफ मेकिंग अलॉय कंपोजिशन प्रॉपर्टीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलॉय कार्बन स्टील कॉपर निकेल एल्यूमिनियम एंड टीन। यूनिट फिफ्थ में आता है करोजन। करोजन में क्या आता है डेफिनेशन फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ करोजन डिफरेंट टाइप्स ऑफ करोजन कैथोडिक एंड एनोडिक प्रोटेक्शन प्रिवेंशन अगेंस्ट करोजन प्रोटेक्टिव कोटिंग मेटेलिक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कोटिंग एंड करोजन इनहिबिटर्स ये काम आता है पूरा यूनिट नंबर फिफ्थ में। यूनिट सिक्स में क्या है सीमेंट सीमेंट ग्लास एंड रिफ्रैक्टरीज। सीमेंट में आता है रॉ मटेरियल कंपोजिशन मैन्युफैक्चर बाय वेटनेस एंड ड्राई प्रोसेस प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट स्पेशल सीमेंट्स। ग्लास में आता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लास मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास कलर इम्पार्टिंग ऑन ग्लास यूजेस ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टरीज में आता है क्लासिफिकेशन रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर अप्लीकेशन इन इंडस्ट्री। ये सब हो गया अपना कहाँ पे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ सेमिस्टर वन। अब सेमिस्टर टू में सेकंड में क्या आता है सेमिस्टर टू में आता है अप्लाइड फिजिकल केमिस्ट्री। सेक्शन वन में आता है यूनिट वन इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वेव मैकेनिक्स स्कॉर्डिंजर वेव्स इक्वेशन अप्लीकेशन ऑफ स्कॉर्डिंजर वेव इक्वेशन लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर एक्टिविटीज एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट गिब्स डुमेन इक्वेशन। यूनिट सेकंड में है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस इक्वेशन ओएस स्टेट ऑफ आइडियल एंड रियल गैसेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स इन एन आइडियल गैस मॉलिक्यूलर कोलिजन एंड मीन्स पाथवे वैन डेर वाल्स इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स ये है यूनिट सेकेंड। अब यूनिट थर्ड में है एस्टिमेशन ऑफ मॉलिकुलर डायमीटर मॉलिकुलर वेलोसिटीज रूट्स मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबली वेलोसिटी कोलिजन
मेंबर कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल कांस्टेंट डिफ्यूजन हीट कंडक्शन इन गैसेस न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स यानी उसके प्रॉब्लम्स. सेक्शन बी यूनिट फोर्थ केमिकल काइनेटिक्स स्कोप ऑफ काइनेटिक्स एलिमेंट्री रिएक्शन स्टेप एंड रेट एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एंड देयर मॉलिटरी एंड ऑर्डर डिटर्मिनेशन फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट्स इंटरग्रेट्स रेट एक्सप्रेशन ऑफ जीरो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन विथ एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स. मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज यूनिट फाइव इंटीग्रेशन मेथड्स ग्राफिकल मेथड आइसोलेशन मेथड वॉन्सहोफ मेथड एंड फ्रैक्शनल चेंज मेथड हाफ लाइफ पीरियड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आर्किनियस इक्वेशन एंड न्यूमेरिकल्स. थर्मोडायनेमिक्स ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम स्टेट प्रॉपर्टी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस एंथैल्पी फ्री एनर्जी गिब्स हेल्मटन इक्वेशन. ये सब क्या है अपना पूरा सिलेबस ऑफ सेकेंड सेमेस्टर का. लेकिन इसका भी सभी आपको अभी काम नहीं है, अपने को सिर्फ काम है किसका सेम फर्स्ट का. तो सेम फर्स्ट में देखते हैं मैंने ये वाटर का स्टार्ट कर दिया है. इसका अगर आपको देखना है तो प्लीज़ अब मेरी वीडियो को देखिए. उसमें मैंने हार्डनेस ऑफ वाटर का कवर किया है. हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ हार्डनेस क्या होता है, उसमें लाइम सोडा सॉफ्टनिंग मेथड लाइम सोडा और जियोलाइट प्रोसेस की है. अब अगले इसमें आयन एक्सचेंज मेथड का मैं सॉल्व करूँगी. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको इसमें से और कोई यूनिट होना है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल.